जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलो, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एकेडमी पर। लाडलो, मैं आपको बता दूं कि SSGD में जितने भी बच्चे हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं या कुछ का पेपर हो गया है SSGD 2021, आपको एक रियल आंकड़ा बता दूं ताकि आप फिर भरोसे नहीं रहो। मैं गारंटी लेता हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ इनके फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। गारंटी है 100% कि इनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अभी आपको लगता होगा कि जिनको रिजेक्ट करने थे वो तो एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिए, नहीं जी, इसके बाद में भी रिजेक्ट होंगे। कब कब होंगे मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जिनके रिजेक्ट होने थे उनको एडमिट कार्ड भी नहीं भेजा। देखो, एडमिट कार्ड जिनके भी रिजेक्ट हुए हैं उनके पीछे केवल एक रीज़न है, जिसने फोटो पे सिग्नेचर नहीं किए, सिर्फ उनके ही, और डेट नहीं लिखी है, उनके रिजेक्ट हुए। जो रियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजेक्शन नहीं है। वो रिजेक्शन अब होगा फिजिकल के समय, यानी बहुत सारे बच्चों के फिजिकल के समय अभी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होंगे, यानी भर्ती से बाहर हो जाएंगे, और कुछ फाइनल मेरिट के आसपास। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, फाइनल मेरिट आज के एक साल बाद आएगी, लेकिन आपको मेरा ये वीडियो जरूर याद आएगा उस दिन, ठीक है। क्योंकि फाइनल मेरिट में भी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जैसे मान के चलिए 10 दिन बाद में फाइनल मेरिट आएगी, तो 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले रिजेक्शन के लेटर जाते हैं दबा दब घर पे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, भर्ती से बाहर कर दिया गया, और आपके उस समय कोई उपाय नहीं रहेगा आंसू बहाने से अलावा। रीजन बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो समय रहते इसका उपाय भी कर सकते हो। लाड तो देखिए कि फिजिकल के समय किनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स, यानी जब SSGD का फॉर्म भरा था, फॉर्म में गलती की है 10th क्लास के रोल नंबर प्लस DOB में डेट ऑफ बर्थ में, जिन बच्चों ने 10th क्लास के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक की है, उनका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे कितना भी एफिडेविट लगवा ले, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। अगर आपने ऐसा किया है तो इसका इलाज ये है कि आप केवल एक एफिडेविट बनवा लीजिए वकील के स्तर पे कोर्ट से, ताकि आप बच सको। ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आपका माना जाए, 100% रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने रोल नंबर ही गलत भर दिए या डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दी 10th क्लास के अनुसार। चाहे आपको उसके अनुसार छोटे बड़े कुछ भी हो, आपका 100% बाहर कर देंगे भर्ती से। दूसरा, फिजिकल के समय आपका एक चीज़ है कि आपने मान लीजिए आपका जिला गलत भर दिया, यानी जिस जिले का आपके पास में डोमिशियल है आपने वो जिला नहीं भरा, या जिस जिला आपने भरा उस जिले का आपके पास में डोमिशियल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो 100% है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन में एक काम बचता है जो आप कर सकते हो, वो है कि फिजिकल के समय आप एफिडेविट लगवा दीजिए। एफिडेविट लाट दो, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ याद रखना, जिस दिन मेरिट आएगी उस दिन मेरे को याद करोगे कि सर आपने पहले बताया था, अगर हम उस दिन ये काम कर लेते शायद हमारी ज़िंदगी बन जाती है। क्योंकि ये चीज़ें जो मेरे को पता है किसी को नहीं पता, गारंटी, यूट्यूब पर चैलेंज करता हूँ मैं ओपनली, है किसी में दम तो बता देना, कोई नहीं बताएगा बेटा, किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ, समझता हूँ हर एक बच्चा जो फोर्स की तैयारी करता है, SSGD की तैयारी करता है, उसकी घर की हालत क्या होती है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ फुल नॉलेजेबल समय निकाल के अपना, ताकि आपके अगर ये मिस्टेक हो रखी है तो मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा भी ऐसा नहीं हो जिसको मेरी वजह से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जुड़े या मेरे से जुड़े तो मैं चाहता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है लाडलो। और आप अगर मेरे साथ ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन है कमांडो एकेडमी के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप में आप 100% जुड़ जाइए। कमांडो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे 100% आपको जुड़ जाना है लाडलो। और साथ में एक चीज़ और, हमारी जो ऑफलाइन अकेडमी है लाडलो, अगर आप ऑफलाइन अकेडमी में आकर तैयारी करना चाहते हो, गारंटी बेस चलता है लाडलो हमारी अकेडमी में, ठीक है। और गारंटी बेस है लाडलो कुचामन सिटी राजस्थान में, हमारी अकेडमी है कुचामन सिटी राजस्थान में। तो ध्यान रखना, आप अगर हेल्पलाइन नंबर अकेडमी में आना चाहते हो तो 9588108 लाड लो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ध्यान रखना बेटा, एफिडेविट बनवा लेना, नहीं तो आपको 100% समस्या आएगी। किस किस कंडीशन में? एक तो आपने अगर जिला गलत भरा है, आपके उस जिले का आपके पास में है नहीं, या आपने स्टेट गलत भरा है, उस स्टेट का आपके पास में, उस दूसरे स्टेट का आपके पास में कोई भी डोमिशियल सर्टिफिकेट नहीं है, तो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। भले आप फिर उस समय आपके पास में कोई नहीं, इससे अच्छा है कि पहले से ही उसका एफिडेविट बना के आप फिजिकल के समय लेके जाओ, तो कहीं ना कहीं आपकी बात बन सकती है। दूसरी चीज़, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गई है तो, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में तो आप सुधार नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स में सुधार सकते हैं, तो आपने उम्मीद करते हैं कि फॉर्म 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही रोल नंबर भरे होंगे और डेट ऑफ बर्थ भी उसके अनुसार भरिए। अगर गलत भराया तो इसका भी एफिडेविट बनवा लेना लाड लो। बाकी अब एक और समस्या आ सकती है, वो समस्या क्या है कि इस बार बोला था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपका जो मूल निवास है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी डोमिशियल प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, वो 31 तारीख, यानी जब आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, उससे पहले का होना चाहिए। तो अगर आपके पास में उससे पहले का डोमिशियल और ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, इससे पुराना अगर आपने कोई भी बनाया है तो वो साथ में लेके जाना, और साथ में
किस रीजन से आपका उस समय नहीं बना, वो रीजन भी आपको वैलिड होना चाहिए लाडो, नहीं तो हो सकता कि आपको इस कारण भी आपको समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों रीजन में 100% फॉर्म को रिजेक्ट करके घर भेज दिया जाता है। क्यों? मान लीजिए आपने जो जिला भरा, आप जनरल कैटेगरी के जिले से हो, आपने जो जिला भरा वो नक्सल में आता है या बॉर्डर में आता है, तो आपको पता है ऐसे जिले में बॉर्डर और नक्सल एरिया दोनों को ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट को आरक्षण मिलता है, तो आप आरक्षण की कैटेगरी में नहीं है, 100% आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और, हाँ सबसे बड़ा एक और, अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी से आते हैं और आपने गलती से ई मित्र वाले ने आपके एससी या एसटी भर दिया है, तो अब मैं आपको बोलता हूँ इस भर्ती से बाहर हो जाना बेटा, ठीक है, दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेना। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, आप 10th क्लास की रोल नंबर अगर गलत हो गया एफिडेविट लेके जाना, लेकिन ये मान लीजिए इस भर्ती से बाहर मानिए अपने आप को, एफिडेविट लेके जाना लेकिन फिर भी इस भर्ती से बाहर ही मानिए, दूसरी भर्ती की तैयारी कर लीजिए समय रहते। आपको मेरी बात कड़वी लग रही होगी लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी अगर आपने लिख दिया ओबीसी की जगह तो प्रॉब्लम, आप अगर जनरल से आते हैं और आपने ओबीसी और एससी या एसटी लिख दिया तो भी आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट भैंस गई पानी में, क्योंकि आपको फिजिकल के समय आपने अगर जनरल की जगह ओबीसी लिखा तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, आपके पास में है नहीं, कहां से दोगे भाई। आपने अगर ओबीसी लिखा या एससी लिखा तो एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी लिखा तो एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस समय कहां से प्रोवाइड करोगे? अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे सीधा ही आपके ऐसे क्रॉस फेन फेर दिया जाएगा, ठीक है। और यही होगा इसके साथ, चाहे आप एससी से हैं, आपने एसटी भर दिया तो भी प्रॉब्लम है, आप इनमें से कोई सी कैटेगरी आपने अगर जनरल भरा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जनरल भरे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सभी कंडीशन में आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है लाडलो, ठीक है। तो अपनी दूसरी तैयारी भी साथ में शुरू कर देना अगर आपने ये गलतियां कर दी है। अब आपके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जितना हो सकेगा मेरी तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और 100% ये चाहूंगा कि आपका काम बन सके। जो चीजें मैंने बताई है एक बार और रिविजन मार देता हूं, 10th क्लास मार्कशीट में रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ DOB अगर गलत भरती है एफिडेविट पहले से बनवा लेना, मैं ये नहीं बोलता कि एफिडेविट से आपका काम होगा, लेकिन हाँ एक वही चांस है, उसके अलावा कोई चारा नहीं, मैं सिर्फ आपको उपाय बता सकता हूँ, ठीक है, 100% गारंटी लेता, क्योंकि गलती आपकी, आपने गलत क्यों भरे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया है तो या तो उस डिस्ट्रिक्ट का बेटा आप डोमिसाइल बना लीजिए, नहीं तो आपको 100% फिर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट भरा उसका बना लीजिए नहीं तो, ठीक है। इसके अलावा कि आपकी कैटेगरी गलती से गलत हो गई है, मान लो आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, आपने एससी एसटी भर दिया है गलती से, तो फिर उसका उपाय कुछ नहीं है बेटा, एफिडेविट बना लीजिए, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं देता कि आपका काम बनेगा, लेकिन हाँ इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है आपके पास में, ले देगा केवल एक ही चारा है, वो है एफिडेविट, बात समझ में आई बेटा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आपके पास में यही चारा है, 100% नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी भर्ती की तैयारी भी साथ में कर लेना, क्योंकि ऐसे जीडी में पिछली बार क्या किया, एफिडेविट भी ले लिए, 70-70 पेज भी भरा लिए, लिखवा भी लिए और लास्ट में जाके उनको रिजेक्ट भी कर दिया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, 70-70 पेज तक बच्चों ने लिखे हैं प्रूफ के लिए कि भाई हमसे ये गलतियाँ हो गई, ये गलती हुई, एक एक के लिए 70-70 पेज और लास्ट में जाके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। तो ध्यान रखना इस बातों का, आप भी पूरा ध्यान रखे लाडलो, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताता रहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, मेरे लाडलो।